भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास। 50 साल बाद भारत ने जीता लगातार दूसरा मेडल। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला चौथा मेडल। ब्रॉन्ज मेडल से करना पड़ा संतोष। कप्तान हरमनप्रीत ने किए 2 गोल। गोलकीपर श्रीजेश ने रोके 9 पेनल्टी कॉर्नर। चक दे इंडिया, कमाल इंडिया, शानदार टीम इंडिया। भारतीय हॉकी टीम ने वो करिश्मा करके दिखा दिया जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम पिछले 50 साल में लगातार 2 मेडल कभी भी ओलंपिक में नहीं जीत पाई थी। 50 साल बाद भारतीय टीम ने एक करिश्मा किया। हरमनप्रीत की कप्तानी में टीम इंडिया ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। भारतीय हॉकी टीम यहाँ पर स्पेन के खिलाफ खेल रही थी 2-1 से। इस मुकाबले में जबरदस्त जीत दर्ज की और इसी के साथ ही एक नया कीर्तिमान दिया है। भारत का ओलंपिक में ये अब एक चौथा मेडल है, यानी 4 मेडल भारतीय टीम के, भारतीय दल के पक्के हो चुके हैं। इनमें से 2 मेडल मनु भाकर के पास हैं, उसमें सरबजोत का भी पूरा योगदान है, साथ में एक मेडल स्वप्निल के पास है और अब ये भारतीय हॉकी टीम का एक और मेडल जुड़ चुका है। अगर बात करें इस मुकाबले की तो भारतीय हॉकी टीम शुरुआत से ही आज आक्रामक मोड में थी। पहला हाफ की बात करें तो 1-1 पर खत्म हुआ था। भारतीय कप्तान ने एक गोल दागा था, जबकि स्पेन की तरफ से भी एक गोल दागा गया था। लेकिन जब पहला हाफ खत्म हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद जब भारतीय टीम तीसरे हाफ में वापसी करने आई तो वहां पर भारतीय टीम एक अलग ही मोड पे नजर आई। बैक टू बैक अटैक कर रही थी, डिफेंड करने की कोशिश में सिर्फ और सिर्फ यही कि स्पेन के खिलाड़ियों को रोका जा सके। इसके अलावा सभी का फोकस गोल पर था और वही हुआ कि तीसरे हाफ में ही भारतीय टीम को एक बढ़त मिल गई, यानी 2-1 से भारतीय टीम आगे हो गई और यहीं से मनोबल भारतीय टीम का भी बढ़ गया और इसी मनोबल में स्पेन की टीम पिछड़ गई। फिर वो गोल का प्रयास करते रहे, भारतीय टीम डिफेंड करती रही और कमाल की बात तो ये रही, न तीसरे और न चौथे में स्पेन की टीम गोल कर पाई। पेनल्टी कॉर्नर जरूर मिले स्पेन की टीम को, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं दिया श्रीजेश ने। 9 पेनल्टी कॉर्नर श्रीजेश ने आज रोके, जो अपने आप में कमाल की बात है। आज दोनों गोल भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने दागे, 9 पेनल्टी कॉर्नर श्रीजेश ने रोके और इसी के साथ एक नया इतिहास भारतीय टीम ने रच दिया है। आपको बता दें कि यह श्रीजेश का, जो भारत की दीवार कहे जाते हैं हॉकी में, उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला था। आज वो रिटायरमेंट लेने वाले थे और इससे बेहतरीन रिटायरमेंट तो शायद ही किसी भी खिलाड़ी का होगा कि जो मेडल के साथ रिटायरमेंट ले। यानी कमाल कर दिया भारतीय टीम। सेमीफाइनल मुकाबले में कह सकते हैं कि जर्मनी से जरूर हार गई थी और वहां पर लगा था कि भारतीय टीम का सपना कहीं अधूरा ना रह जाए, लेकिन फिर क्या, भारतीय टीम ने एक जबरदस्त वापसी की। अगर जर्मनी को मात देती टीम इंडिया तो टीम इंडिया फाइनल खेलती, गोल्ड या सिल्वर जीतती, लेकिन कोई बात नहीं, ब्रॉन्ज मेडल ही सही, ओलंपिक मेडल लेके ही भारतीय टीम अब वापस आएगी। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम ने हरमनप्रीत की कप्तानी में और श्रीजेश के दमदार प्रदर्शन की बदौलत ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जिसके बाद पूरी दुनिया ने भारतीय हॉकी टीम की तारीफ की थी। आपको बता दूं कि 50 साल पहले 1968 और 1972 में भारतीय हॉकी टीम ने यह कारनामा किया था, यानी जब 2 मेडल जीते थे, और अब की बार ये कारनामा हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने किया है। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं भारतीय हॉकी की इस जीत को, कमेंट बॉक्स में बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।